हाय वंदन, आज हम व्याकरण विधि के अंतर्गत व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई, व्यंजन संधि पढ़ाई, आज उसी का एक भाग और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे हम? विसर्ग संधि। ये संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग से क्या तात्पर्य है? विसर्ग क्या होता है? तो बहुत ध्यान से समझिए, विसर्ग, ठीक है, ये दो बिंदियां दिख रही है, ये इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं विसर्ग क्या है और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको कि विसर्ग किसको कहते हैं? आपको दो बिंदियां दिख रही होंगी, के पश्चात स्वर या व्यंजन, या तो कोई स्वर शब्द आता है या व्यंजन शब्द आता है, तो वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए इसका सूत्र भी है, एक सबसे पहला है सत्व, तो विसर्ग नियस्य सः, क्या दिया? विसर्ग नियस्य सः। अब ये क्या है इसको समझिए, यदि विसर्ग, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात कौन? अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा, ये देखिए ये दिया है श, श और सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग, यानी जो दो बिंदियां आपको दिख रही हैं, के बाद क्या हो? शा हो, तो विसर्ग जिस दिया जो है विसर्ग के स्थान पर शा आएगा, ठीक है, और यदि ता या हाँ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? कौन सा? शा, ये देखिए दिया ना, शा हो जाता है। विसर्ग समझ में आया? विसर्ग किसे कहते हैं? अब विसर्ग में जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कौन से स्थान पर यदि को क्या चीज आएगी, कौन सा शा आएगा तो क्या होगा, और यदि टा या ठा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये पहला उदाहरण दिया है नमाधन्ते, क्या दिया है? नमाधन्ते, आपको देखना है ये विसर्ग, ठीक है ना, तो विसर्ग धन्ते तो क्या हो गया यहाँ पर? इस्ते, यहाँ पर क्या आएगा? नमस्ते, क्या बना शब्द? नमस्ते। यहाँ पर जो है, जो विसर्ग है उसका क्या हो रहा है? ये सा हो रहा है, ये दिया ना, सा हो जाता है यदि विसर्ग है, तो ये सा है, तो ये क्या हो गया विसर्ग के स्थान पर? सा, तो ये क्या आ गया? नमस्ते। अब इसी प्रकार बालकादंतयति, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग दंता बराबर स्ता, तो क्या आएगा यहाँ पर? बालक स्तरति, ठीक है। इसी प्रकार इतरधंतत, क्या आएगा? इतर, अब यहाँ भी देखिए विसर्ग है, विसर्ग दंता, तो इसके स्थान पर हुआ निशा, तो ये सा बना, तो क्या हो गया यहाँ पर? इस तथा, क्या हुआ? इस तथा। निधन चला, आप देखिए यहाँ पर क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ण है ना, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? नि धन चला, तो यहां विसर्ग के स्थान में क्या हुआ? च, तो क्या बन गया यहां पर? शच, तो यहां आ जाएगा निश्चला। शिराधन छेदा, ठीक, फिर इसके बाद शिराधन छेदा, तो ये विसर्ग धन छेद शचे, फिर यहां पर आएगा शिरश छेदा, फिर धनु, क्या है? धनु धन कंकाल, आपको दिख रहा है ये टा, यहाँ दिया ना टा या ठा, तो विसर्ग का शा हो जाता है, ठीक है, तो धनु धन टंकार। अब यहाँ देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद घंटा, तो यहाँ बन जाएगा षट, यहाँ पर आ जाएगा धनुष टंकार, ठीक, इस प्रकार से इसको हमें समझना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब है शत्व। शत्व यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तो बाद में क, ह या प, फ में से कोई वर्ण
हो। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण में निधन कपटम, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श, ठीक है। तो कैसा आने पर पूर्व में ई या उ हो, पूर्व में देखिए यहाँ पर नाम में छोटी की मात्रा ई है ना, यहाँ भी नीचे ई, यहाँ पर भी है उ की मात्रा। अब इसका उदाहरण समझिए, विसर्ग धन का शक, तो यहाँ पर क्या है, निष्कपटा, ठीक। फिर दिया है निधन फला, तो विसर्ग धन का, तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, शक, तो निष्फला। फिर अब उ हो तो बाद में क्या आ जाएगा, इसमें क्या दिया, दुधन कर्म, तो विसर्ग धन का शक, तो दुष्कर्म। अब देखिए यदि नाम है पूरा है के बाद क ख या प प आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ दिया ना, स हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, नमाधन कारम, तो क्या दिया है, यदि नमा और पूरा है के बाद क ख या प पा, तो यहाँ पर नमा जो दिया है क्या है, क है ना, तो नमाधन कारम, तो विसर्ग धन का, तो क्या आएगा, इसका सा हो जाता है, इसका यहाँ पर आएगा नमस्कार। जब ये मिलेगा नमाधन तो क्या जाएगा, नमस्कार। पूरा धन कारा, इसी प्रकार विसर्ग धन का, तो क्या है, इसका, तो पुरुष का। इस प्रकार से आपको इसको समझना है, इस उदाहरण को बहुत अच्छे से आपको लिखना भी है और परीक्षा के लिए तैयार भी करना है, क्योंकि उदाहरण आते हैं, पूछे जाते हैं। विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा गुण तथा पूर्व, अब इसका क्या आएगा, इसमें सुन दिया, अतो रो रक लुता दप लुते, ये इसका सूत्र है। आप समझिए, यदि विसर्ग, ठीक है, से पहले हस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी क्या हो, हस्व आ ही हो, तो विसर्ग को रू आदेश, यानी रू के स्थान पर उ आदेश, और उसके बाद आधन उ के स्थान पर गुण, ठीक है, ओ तथा ओ धन आ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है, और ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह, अवग्रह दिखा, ये देखिए इसको ऐसे जैसे बना है, अवग्रह क्या बोलते हैं इसको, अवग्रह के द्वारा दिखाई जाती है। उदाहरण समझते हैं, पहला है बाला धन आयम, अब देखिए यहाँ पर जो विसर्ग ऊ का आदेश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाल धन अ धन विसर्ग धन अयम, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाल, फिर अ धन उ धन अयम, फिर इसके बाद आ धन उ को ओ आदेश हुआ, तो ये क्या बना, बाल धन अ धन उ धन अयम बराबर बाल धन ओ धन अयम। आप देखिए यहाँ पर नीचे ओ को हम काय परिवर्तित कर रहे हैं, आ ओ धन आ को, ये जो अवग्रह है उसमें हम परिवर्तन करते हैं, जैसे परिवर्तन रूप आया बालो धन आयम। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो अवग्रह का चिन्ह है बालो आयम, ये अवग्रह का चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार सा धन अवदत, तो सो वदत, इसी प्रकार के और उदाहरण है, नृपा धन अवदत, तो नृपो अवदत, प्रथम धन अध्याय प्रथमो ध्याय, इस प्रकार से ये आएगा विसर्ग का रूप, ठीक है। अब इसके बाद चलिए, ये उदाहरण बहुत अच्छे से आप लिखिएगा कॉपी में और पढ़ते भी जाइए। अब इसके बाद आएगा यहाँ पर हसी च, अब यहाँ पे क्या है, ये हसी च, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में वर्गों के प्रति चतुर पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन से, तृतीय चतुर और पंचम वर्ण, अथवा या र ल व या हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा पुनः क्या होता है, रा का उ, और तदंतर आ धन उ को गुण होकर क्या हो जाता, ओ हो जाता है। उदाहरण समझते हैं, जैसे दिया है तप धन बना, दिया ना, तो तप धन अ धन विसर्ग धन बना, ठीक। इसी प्रकार से दिया है तप धन आधन राधन वनम, फिर दिया है तप धन आधन उधन वनम, यानी ये क्या है कि जो रा है ना उसके स्थान पर क्या हो गया है, उ, रा के स्थान पर क्या हो गया है, उ। अब यहाँ देखिए
तपोधन गोधन वनम, यानी इस प्रकार से अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं हसी च। यदि विसर्ग से पहले क्या है आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा या रा ल वा या हा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा रा। फिर यदि पुनः रा का आदेश क्या होगा उ, तदंतर आधन उ को गुण होकर हो जाएगा ओ हो जाता है। ठीक है, आप उदाहरण समझिए तपधन बनम। अब देखिए यहाँ पर तपधन अधन विसर्ग धन बनम है, फिर यहाँ पर तपधन आधन क्या आया र धन वनम आया। अब यहाँ पर देखिए तपधन आधन फिर क्या है उधन बनम, यानी रा के स्थान पर क्या हुआ यहाँ पर उ। आप यहाँ देखिए तप धन ओ धन वनम, क्योंकि क्या बोला गया है यदि उ को गुण होगा क्या हुआ ओ, तो आधन उधन बराबर होगा ओ, तो यहाँ जो शब्द बनेगा वो बनेगा तपो बनम। क्या बनेगा तपो बनम। चलिए ये जो आपको मैं उदाहरण पढ़ा रही हूँ ये परीक्षाओं के लिए आप अच्छे से तैयार भी है। इसी प्रकार आता है मन धन रथ, ये बनेगा मनोरथ। बाला धन गच्छति बालो गच्छति, इस प्रकार से शब्द बने। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है रुत्व, विसर्ग का विसर्ग बराबर रा। आप देखिए यदि विसर्ग से पहले आ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो ये देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या होता है रा हो जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे दिया है मुनि धन आया, तो मुनि छोटी की मात्रा है ना, तो क्या है मुनि ई, तो क्या है मुन धन ई धन विसर्ग धन आया। अब यहाँ पर क्या होगा मुन धन ई धन रा धन आयम, तो ये क्या बन गया मुनि रयम। ठीक, अब इसी प्रकार हरि धन आगच्छति तो हरि रा गच्छति हो जाएगा, गुरु धन जयति तो गुरु जयति। ठीक है, आप आगे समझते हैं। आप जो मैंने आपको पढ़ाए उसके प्रश्न उत्तर को क्या लिखा है समुचितम संधि पदम चित्वा लिखा, जो आपको ये शब्द दिए गए हैं उसमें आपको संधि पद क्या होगा इसका सही वो लिखना है। तो पहला दिया है इतर धन तथा, तो देखिए दो ऑप्शन दिए तथा और इत शतम, तो सही शब्द क्या है देखिए यहाँ पर उत्तर तस्तता। ठीक है, फिर दूसरा दुष्ट धन कर्मा, तब देखिए एक इसमें लिखा है शा और एक इसमें लिखा है शा, तो शा और शा दोनों क्या आएगा सही शब्द क्या आएगा इसका सही आंसर दुष्ट कर्मा। फिर है शिवा धन अवदत, शिवादत और शिवोदत, तो क्या आएगा शिवोदत। ठीक है ना, फिर मुनि धन मुनि धन आगच्छति तो मुनिरा गच्छति या मुनि धन गच्छति तो क्या आएगा मुनिरा गच्छति। मना धन अभी मैंने आपको पढ़ाया तो बताइए क्या आएगा इसमें आएगा मनोरथ। छात्र धन आयम तो छात्रोयम या छात्रम क्या आएगा छात्रोयम, ये अवग्रह वाला। ठीक है, प्रथमा धन नमा प्रथमो नाम या प्रथमो नाम तो प्रथमो नाम। फिर है कपि धन चलती तो क्या आएगा कपिर चलती या कपिश चलती तो क्या आएगा कपिश चलती। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं संधि विच्छेदम कृत्वा लिखा, ये जो शब्द दिए हैं जैसे ये दिया कीटो के शब्द दिया, अब इसमें अपी शब्द तो दिया है तो इसमें ये यहाँ पर कौन सा शब्द आया यहाँ तक देखिए यहाँ पर आएगा कीटम धन अपी कीटो पी। दूसरा भोजो नाम तो भोजो नाम में नाम दिया है तो क्या आएगा भोज धन यहाँ पर आएगा भोज धन नाम तो भोजो नाम आ जाएगा। वर्ष योरु रांतम तो वर्षयो धन उपरांतम है। ठीक है, फिर है शिविर जयति तो यहाँ पर क्या आएगा अब जयति शब्द तो दिया है तो आएगा शिवी शिवी क्या आएगा शिवी विसर्ग लगेगा। कैश्चर ठीक है कई धन अब यहाँ पर क्या आएगा चित ये आपको कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों। फिर है महाधन पुरुषई रपी ठीक है महाधन पुरुषई रपी में अपी शब्द दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर महापुरुषई
धनपि महापुरुषण्यपि। इस प्रकार बच्चों हमने विसर्ग संधि को पढ़ा और समझा, उसके उदाहरण को पढ़े और समझे। और इसका जो प्रश्न नंबर पहला है, समुचित संधि पदम चित्वा लिखत, इसको एक प्रश्नोत्तरों को पढ़ा समझा। इसके आगे के प्रश्नोत्तरों को हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।